back. Here they go. Hi, friends. हाँ जी. क्या कहते अच्छा अच्छा एक कमेंट आई. सो गाइस कैसे हो आप सब? रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबको होली अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आ जाए होली अष्टमी का त्यौहार. और मैं अभी अपनी मम्मा के घर आई थी तो मैं तो ये फास्ट रखती नहीं हूँ और भाभियों ने ये रखा हुआ है. मम्मी पहले रखा करती थी, अब मम्मी ने भाभियों को दे दिया तो भाभियाँ रखती हैं. तो भी व्लॉगिंग कर रहा है. चलो भाभी बुला रही है, देखते हैं क्या काम है. चलो खेलो. जैसा कि आपको पता है होली अष्टमी का त्यौहार है तो मैं आ गई थी अभी मम्मी के घर पे. मैं ये फास्ट रखती नहीं हूँ बट मेरी भाभियाँ रखती हैं, इस वजह से फिर माथा वगैरह टेकते हैं तो हर साल हम इकट्ठे होते हैं. तो दक्षू को लेके मैं इधर आ गई थी. अभी अभी आई हूँ बस शाम. अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया? 5 बज चुके हैं ना, 5:15 होने वाले, 5:15 हो गए हैं. तो ये देखो मेरी मेहंदी अभी भी इतनी डार्क है और दक्षू खेल रहा है, मजे कर रहा है. और पंजाबी में हमारे यहाँ पे इस जो ये होली अष्टमी का फेस्टिवल बच्चों के लिए होता है, ये त्यौहार आप लोगों को पता ही है. तो अलग अलग जो मतलब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं छोटे छोटे, हिंदी में तो मुझे पता नहीं, पंजाबी में चक्करे बोलते हैं. तो वो सब बच्चों के लिए पकवान वगैरह बनाते हैं और उसमें डालते हैं, मिठाई वगैरह डालते हैं. तो उसको मतलब बच्चों के लिए वो तैयार करके बच्चों को दिया जाता है. तो मुझे अभी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा उस चीज़ को, क्या बोलते हैं क्या नहीं. तो जैसे ही माथा वगैरह टेकेंगे ना, किस तरह से इसका प्रोसीजर है जो भी होगा, तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ थोड़ी देर बाद. तारा वगैरह देख कर तब ये फास्ट खोला जाता है. जैसे करवा चौथ का चांद देखते हैं तो इसमें तारे को देखकर व्रत खोला जाता है. तो जैसे भी होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ. चलिए मैं मिलती हूँ आपसे सीधा जब माथा टेकेंगे तब. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय. अभी बाय बाय कहाँ, अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है. ये देख लो, ये है हमारे घर का नटखट बच्चा. इसने जिद कर रखी है कि मुझे नए कपड़े पहनने हैं.
मुझे बोल रही है आप भी नया सूट पहन के आए हो तो मैं भी न्यू कपड़े पहनूंगी। और भाभी मना कर रही है और सब कमेंट करके बताओ कि ये वाले कपड़े इसे अच्छे नहीं लग रहे क्या? नहीं अच्छे, ये भी तो अच्छे लग रहे हैं। देखो कितना ये न्यू, इसने न्यू लोअर पहना हुआ है। ये अपने मार्केट से लेके आए थे, हम सब गए थे इकट्ठे, मम्मी के साथ मैं और हरलीन। ये अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे पहनने। ये देख लो इसको, दूसरे पहने, ये नहीं पहने। मुझे बोल रही है आप भी नया सूट पहन के आए हो, मैं भी नए कपड़े पहनूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर माथा टेकने की तैयारी करने के लिए मंदिर में। और मंदिर हमारा ऊपर वॉल पर लगा हुआ है, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है हम सब पूरी फैमिली मिलके पूजा वगैरह करते हैं, माथा टेकते हैं, तो हम भगवान जी का आसन नीचे लगा लेते हैं। नीचे सारी तैयारी कर ली है मैंने, और ये सब बच्चों के ये करवे जो हैं ये तैयार कर दिए, और इनके ऊपर जो हमने जो उगाए थे वो मैं रख रही हूँ, एक एक करके इन सभी के ऊपर रख दूँगी। और ये जो एक जैसे मिट्टी के दो करवे हैं बड़े वाले, ये दोनों भैया के हैं, और ये जितने भी स्टील के हैं और ये सब बच्चों के हैं, तो चारों बच्चों के, और इसमें एक दक्ष का भी है, तो ये पांचों बच्चों के हो गए। और जौ वगैरह रखने के बाद अब मैं इन सब के ऊपर थोड़े थोड़े से थोड़े थोड़े कुछ कुछ दाने इनके रख दूँगी। ये जो खील वगैरह होती है ना वाइट वाली, आपको दिख ही रही है सामने, तो मेरा हाथ खाली था और मम्मी ने ये दो मुझे बैंगल्स ला के दे दिए। तो जिस दिन मैंने वैक्स करवाई थी उस दिन वो काला वाला जो मैंने धागा इसमें बांध रखा था ब्लैक कलर का, वो कट कर दिया था पार्लर वाली ने, तो हाथ खाली सा हो गया था। और बैंगल्स मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, तो इस वजह से फिर हाथ खाली था। मम्मी ने ये दो मुझे ला के दे दी थी। तो गाइज अब इनके अंदर मैं ये खील डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी, ये खील हमें रखनी होती है दिवाली तक, तो इन करवों को खाली नहीं रखना होता दिवाली तक, हम इनको दिवाली को बढ़ा देते हैं, दिवाली तक रखते हैं। तो जैसे जैसे मम्मी बता रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी, मम्मी मेरे पास में इधर पीछे की साइड बैठे हुए थे। तो और ये मेरे भैया का छोटा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ मेरी हेल्प करवा रहा था, इसको बड़ा शौक हो रहा था कि बूजी मैं भी आपके साथ आपकी हेल्प करवाऊँगा। तो ये छोटे छोटे से नन्हे नन्हे हाथ उसके नज़र आ रहे हैं। तो हम दोनों लगे हुए थे, और मेरी भतीजी वो वीडियो बना रही थी, मेरी कैमरा गर्ल बनी हुई थी वो। और ये सारी तैयारी हो चुकी है, अब मैं इन सब के अंदर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, छुआरे, अखरोट, बादाम, काजू, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स पापा लेके आए थे जितने भी, थोड़े थोड़े से मैं वो डाल दूँगी इन सब के अंदर। एंड घर में जितना भी पकवान बना है, कचौरियाँ, पकौड़े वगैरह, गुलगुले वगैरह, वो सब मैं इन सभी करवों के अंदर भर दूँगी। और जो भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब डाल दूँगी। भाभियाँ मेरी दोनों किचन में बिज़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला काम कर देती हूँ। मम्मी भी पास में बैठे हुए थे, तो मम्मी मुझे बता रहे थे कैसे कैसे करना है, तो मैं मम्मी के कहे अनुसार मैं ये सारा काम कर रही थी। पूजा घर, और ये नीचे तैयारी हो चुकी है माथा वगैरह टेकने की, और भाभियाँ भी बना रही हैं उधर पकवान वगैरह, पकोड़े बनाए हैं, गुलगुले बनाए हैं मीठे वाले, और दो तरह के पकोड़े बनाए हैं, पालक के और प्याज के, और आलू की जो कचौरियाँ होती हैं वो बना रहे हैं। बाकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे हो चुकी है, बस थोड़ा टाइम और है, उसके बाद फिर टेकेंगे माथा। और ये सारी प्रिपरेशन मैंने की है, और दक्षु बहुत एंजॉय कर रहा है। Thank you.
सो गाइज, यहाँ पर सारी तैयारियाँ होने के बाद हम सब बैठ चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन लेके माथा टेकने के लिए। तो भाभियाँ भी आ गई हैं और भैया भी दोनों आ गए थे फ्री होके, और पापा भी यहीं पे हैं, बच्चे हैं, सब हैं। और दक्षु अपनी नानी की गोद में बैठा हुआ है। और माथा टेकने के लिए हम सब ने हाथों में थोड़े थोड़े से खील जो होते हैं वाइट वाले, वो ले लिए हैं, क्योंकि जब अपनी प्रेयर वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम सर झुका के हम कुछ भी प्रे करते हैं, तो उसके बाद हम ये जो हाथों में खील होती हैं इन सबको भगवान जी के आगे डाल देते हैं, जहाँ पे होई माता की फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे दिया वगैरह जला रखा है, तो बस वहीं पे हम इनको डाल देंगे अपनी प्रे कंप्लीट करने के बाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे बारी आती है दोनों भाभियों की। तो दोनों भाभियाँ अपने अपने बच्चों के करवों को माथा वगैरह टेक के, पूजा तो हमारी हो चुकी है और करवों के ऊपर से जैसे पानी वार के करवा मिनसते हैं ना, तो इस तरह से जो भी अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग करते हैं वो सब करके अपने अपने बच्चों को दे देंगे। तो ये जो दोनों भाभियों के ये दो ग्लास पानी के रखे हुए हैं, तो अपने बच्चों के करवों के ऊपर से इस तरह से करके, तो ये जो बाकी पानी का ग्लास बचा हुआ है ये छत पे जाके उस तारा देखकर अर्घ देके फिर अपना उसके बाद खाना पीना स्टार्ट करेंगे। तो ये भाभी ने कर दिया है। और हाँ, ये सब बच्चों को देने से पहले घर में जो बड़ा बड़ी कोई भी मतलब लेडी होती है ना, जैसे अपनी सास हो गई, माँ हो गई, तो उनको देकर फिर उनका आशीर्वाद लेके फिर अपने बच्चों को दे देंगे। तो बड़ी भाभी ने कर दिया, अब छोटी भाभी की बारी है, तो वो भी दोनों बच्चों के इस तरह से करके तो अपने बच्चों को दे देंगे। और बाकी जो पानी का ग्लास है दोनों भाभियों पर जाकर तारा देखकर, तारे को अर्घ देके फिर अपना खाना शुरू कर देंगे। तो बस इतनी सी ये पूजा थी। और उसके बाद ये बच्चे अपने अपना लेके बैठ गए हैं, इनको पता है कि इनमें खाने पीने का सामान है, तो बच्चों को तो बस यही रहता है। और यहाँ पर छोटी भाभी दे रही है अपने छोटे वाले बेटे को ये, तो इसने ले तो लिया था, बाद में फिर इसने मना कर दिया था, इसने रख दिया। ये देखो, कह रहा मैं अब पूजी के हाथ से लूँगा, तो इसको फिर बाद में ये मैंने दिया था। और ये मम्मा लेके आए हैं दक्षु का, तो दक्षु को देने के लिए तो इसको बिठा दिया था, और ये अपना आराम से लेकर बैठ गया। ये देखो कितना खुश है ये अपना सामान लेकर, इसको पता है कि मुझे भी मिला है। तो ये सब बच्चे अपना अपना लेके बैठ गए हैं। तो और ये हरलीन को दे दिया था मम्मी ने, तो इसको देने के बाद अब मम्मी अपने बच्चों को यानी कि मेरे दोनों भैया को देंगे। तो मम्मी भी अपने बच्चों को देते हैं। मम्मी ने व्रत नहीं रखा, बट मम्मी अपना पूरा रिचुअल करते हैं, माथा वगैरह ज़रूर टेकते हैं। तो ये बड़े वाले भैया को दे दिया है। अब बारी आती है छोटे भैया की, तो ये मम्मी उठा के छोटे वाले भैया को दे देंगे। तो ये दे दिया है और आशीर्वाद भी दे दिया है।